आज के वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसे महत्वपूर्ण तरीके बताने वाला हूं जो एक पत्नी के रहते हुए पति दूसरी शादी भी कर सकते हैं, दूसरी पत्नी भी लेके आ सकते हैं और इसमें पति को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पति के ऊपर कोई बाइगेमी का केस भी नहीं होगा और अगर केस भी हो जाता है तब भी पति को कोई भी सजा नहीं होगी। ये तीन महत्वपूर्ण तरीके कौन से हैं जो वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इन्हीं की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपको अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट हो गया है और ऐसे में अगर पत्नी अगर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए राजी नहीं है तब पति को कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना होता है और तब जाके अगर पति को कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक मिल जाता है तभी दूसरी शादी कर सकते हैं। पर कई बार सिचुएशन पति के सामने ये आ जाती है कि वो म्यूचुअल डाइवोर्स भी नहीं लेते हैं और एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स भी नहीं लेते हैं, फिर भी वो दूसरी पत्नी को लेके आना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे कोई तरीके हैं? तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इन तरीकों के बारे में, क्योंकि ऐसे बार बार सवाल मेरे पास में आते रहते हैं। इनमें पहला तरीका तो यह आता है कि अगर पति की पूरी हिस्ट्री के बारे में दोनों पत्नियों को पता है कि पति पहले शादी कर रखे हैं, दूसरी शादी करने वाले हैं, यानी कि तमाम सारी जानकारी अगर पति की इन दोनों पत्नियों को है और इन दोनों पत्नियों को अगर कोई भी आपत्ति नहीं है पति की दूसरी शादी करने से पहली शादी से, तो यहाँ पे पति फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। पर इस तरीके से की हुई दूसरी शादी के कुछ अपवाद भी है। अपवाद इस तरीके से है कि पति तब तक ही बच सकते हैं बाइगेमी के केस से जब तक दोनों पत्नियों को कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर दोनों पत्नियों को आपत्ति होती है तब वो बाइगेमी का केस पति के ऊपर फाइल कर सकती है। और दूसरा अपवाद इसके अंदर ये है कि पति जो सेकंड मैरिज करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, जो दूसरी पत्नी को लेके आएंगे, तो जो दूसरी पत्नी है जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, वो लीगली वाइफ नहीं होगी। अब दूसरा तरीका ये आता है एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को अपनाने का, दूसरी पत्नी बनाने का, दूसरी शादी करने का। अगर पति के द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है और उस डाइवोर्स के केस का अगर पत्नी के पास में बार बार नोटिस जाता है, पत्नी उस डाइवोर्स के केस की नोटिस को रिसीव भी करती है, उसके बावजूद भी अगर पत्नी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है और काफ़ी समय हो जाता है, इसके बाद में अगर पति को एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है और एक्स पार्टी डाइवोर्स की लीगली डिग्री मिलने के बाद में एक साल के बाद में अगर पति सेकंड मैरिज करते हैं, दूसरी पत्नी को लेके आते हैं, तब भी पति को बाइगेमी के केस के अंदर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पति को ऐसी कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताने वाला हूँ जिसमें न तो पति के ऊपर बाइगेमी का केस हो सकता है और न ही पति को बाइगेमी के केस के अंदर किसी भी तरीके की पनिशमेंट मिल सकती है। और जो भी पति सेकंड मैरिज करेंगे वो वैलिड होगी, 100% उसकी मान्यता होगी और सेकंड मैरिज से जो भी वाइफ आएगी वो लीगली वाइफ भी मानी जाएगी। इसमें पति को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, पति को किसी भी तरीके का डाइवोर्स का केस फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। तो पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी को पति कैसे लेके आ सकते हैं, इसके लिए पति को क्या करना होगा? अगर पति को पहली वाली पत्नी का पता ही नहीं है और 7 साल या फिर 7 साल से अधिक का समय हो चुका है, पति ने हर संभव कोशिश कर ली है, सब जगह पे ट्राई कर लिया है, लीगली जो भी तरीके हैं उनको भी पति अपना चुके हैं, जिसमें ये पता चला है कि पत्नी लापता है, उसका कोई भी सुराग नहीं है, तो ऐसे में पति बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर सकते हैं, सेकंड मैरिज कर सकते हैं, दूसरी पत्नी को अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन मैंने आपको स्पेशल तरीके बताए हैं, पहली पत्नी के रहते हुए आप दूसरी पत्नी को अपना सकते हैं, दूसरी पत्नी को लेके आ सकते हैं। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।